हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IOCL की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन रिलीज किया है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बढ़िया नोटिफिकेशन है। यदि आपने यहाँ पर इंजीनियरिंग मतलब BE/BTECH किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है या ITI किया हुआ है तो आप इन सभी ब्रांचों के साथ एलिजिबल रहने वाले हैं। वीडियो को एंड तक से जरूर से देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है, क्या लास्ट डेट रखी गई है और आपको पर्टिकुलर जॉब के लिए कितनी सैलरी मिलने वाली है। हम डिटेल से बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आप एंड तक से जरूर से देखिएगा। और कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसकी लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि IOCL की तरफ से निकाला गया है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन के यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, 12 जनवरी का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो 12 जनवरी से ही होने वाली है। लास्ट डेट इसकी 1 फरवरी रखी गई है और डेट ऑफ रीनॉकिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी 12/1/2024 के आधार पर होने वाला है। ठीक है ना, 1961 के थ्रू यहाँ पर अप्रेंटिसशिप होने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी के लिए परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसीज अच्छी है क्योंकि हर एक स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, UP, हरियाणा, पंजाब के साथ साथ दिल्ली, UP, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और TI के लिए यहाँ पर वैकेंसी आउट की गई है। साथ में यहाँ पर डोमेस्टिक डाटा एंट्री के लिए भी वैकेंसीज है, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए भी वैकेंसीज आउट की गई है ना। यहाँ पर और भी अलग अलग स्टेट दिए हुए हैं, आप एक बार यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप PDF को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो टेक्निकल अप्रेंटिसशिप है उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TI वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए अकाउंटेंट के लिए वैकेंसीज आउट की गई है। साथ में यहाँ पर असिस्टेंट ह्यूमन HR के लिए भी वैकेंसीज निकाली गई है। यदि आप टेक्निकल अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मैकेनिकल ब्रांच के लिए यदि आपके पास 3 ईयर्स का ITI है ना, आफ्टर किसके डिप्लोमा के, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या इलेक्ट्रिकल में यदि आपके पास ITI के साथ डिप्लोमा है, या टेली कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका डिप्लोमा और ITI है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग अलग ब्रांचेस होती है, उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है, आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए भी वैकेंसीज आउट की गई, जिसमें बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट के लिए भी वैकेंसीज है, अगेन इसमें बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मिनिमम 12th पास होना जरूरी है और डोमेस्टिक डाटा एंट्री के लिए भी मिनिमम 12th पास आपका यहाँ पर होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया। मिनिमम एज 18 ईयर्स रखी गई है, मैक्सिमम एज 24 ईयर्स रखी गई है। ठीक है ना, जो आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 12 मंथ होने वाला है, HR के लिए भी आपका 12 मंथ है और डाटा अकाउंटेंट के लिए भी आपका 12 मंथ होने वाला है। ठीक है ना, स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 1973-1961 के थ्रू ही आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलने वाला है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सबसे पहले रिटर्न टेस्ट होगा। ठीक है ना, जो आपका MCQ बेस्ड रहने वाला है, 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 100 मार्क्स आपका पेपर होने वाला है। ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है, ये चीज़ अच्छी होने वाली है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेबस क्या क्या होने वाला है। तो टेक्निकल अप्रेंटिसशिप, ट्रेड अप्रेंटिसशिप और यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट के लिए और HR के लिए, दोनों के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग लगभग सेम ही होने वाला है। ठीक है, 120 मिनट्स का आपका पेपर होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से सभी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली बेसिस पर हम आपके लिए नया नोटिफिकेशन लाने वाले हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, लिंक्स वगैरह मैंने आपको सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, आप जाकर चेकआउट करेंगे आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो लास्ट डेट रखी गई है वो 1 फरवरी रखी गई है, तो आपको जल्दी से जल्दी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना है। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज की पूरी वीडियो अच्छी लगी है। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप मिस नहीं करें। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।